गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम डॉक्टर महेंद्र कुमार है, श्री विश्वनाथ पीजी कॉलेज कलान से, बॉटनी डिपार्टमेंट से। मैं आपको बीएससी थर्ड ईयर का टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, न्यूक्लिक एसिड एज ए जेनेटिक मटेरियल, जिसके पहले दो वीडियो मैंने पहले अपलोड कर दिया है। उसमें मैंने डीएनए का बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी कराया था और कुछ पॉइंट्स बताए थे कि व्हाई न्यूक्लिक एसिड एक्ट एज ए जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने न्यूक्लियोटाइड के बारे में स्टडी किया था। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं न्यूक्लियोटाइड से। न्यूक्लियोटाइड का कुछ पोर्शन हम लोग पहले के वीडियो में भी पढ़ चुके हैं, जहाँ पे हमने नाइट्रोजनस बेस के बारे में स्टडी कर लिया है, नाइट्रोजनस बेस या न्यूक्लियो बेस। आज हम लोग पेंटोज शुगर, इसके दूसरे कंपोनेंट पेंटोज शुगर और फॉस्फेट के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। नाइट्रोजन बेस के बारे में हमने पहले भी वीडियो में अपलोड किया है। ये दो तरह के होते हैं, प्यूरिन एंड पिरिमिडिन, है ना। प्यूरिन में एडिनिन है, ग्वानिन है, पिरिमिडिन में साइटोसिन, थायमिन एंड यूरेसिल है, ठीक। डीएनए न्यूक्लिक एसिड भी दो तरह के होते हैं, डीएनए जहाँ पे आपका थायमिन पाया जाता है और आरएनए जिसमें कि यूरेसिल पाया जाता है। बाकी नाइट्रोजनस बेस सिंपल होते हैं, मतलब बराबर होते हैं। आज हम लोग पेंटोज शुगर के बारे में स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, और इसके बाद फास्फोरिक एसिड के बारे में। पेंटोज शुगर नाम से पता चल रहा है, ये पाँच कार्बन वाले शुगर होते हैं। इसका देखिए बेसिक स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, 1, 2, 3, 4 एंड 5। एक और बना लेते हैं, क्योंकि दो तरह के पेंटोज शुगर पाए जाते हैं, राइबोस एंड डीऑक्सीराइबोस। 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब देखिए इसमें जो ग्रुप जुड़ेगा OH, H, H, OH, एक टिपिकल राइबो शुगर में H ओ OH जुड़ेंगे इस कार्बन से, H, OH, यहाँ पर H, यहाँ पर CH2OH, ठीक ठीक। इसी तरह से यहाँ पर भी जुड़ जाएगा CH2OH, H, OH, H, यहाँ पे आपका इसको खाली कर देते हैं, बताएंगे OH एंड H, ठीक है। अब देखिए राइबोस शुगर में सिंपल क्या होता है, राइबोस शुगर जिस न्यूक्लियोटाइड्स में पाया जाएगा वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो बनाएगा उसको कहेंगे हम लोग आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसमें राइबोस शुगर होता है, इसके सेकेंड कार्बन पर OH ग्रुप प्रेजेंट रहता है। लेकिन अगर ये सेकेंड कार्बन पर OH ग्रुप ना रहे बल्कि H केवल रहे तो ये हो जाएगा डीऑक्सीराइबोज, और इससे बनने वाला पॉलीन्यूक्लियोटाइड हमारा क्या कहलाएगा, डीएनए कहलाएगा, ठीक है। अब देखिए ज़्यादा जितने ऑक्सीजन होंगे, जितने ज़्यादा ऑक्सीजन रहेंगे उतनी ज़्यादा अनस्टेबिलिटी होती है, ठीक है। यही कारण है कि आरएनए ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं डीएनए के, इट इज़ मोर रिएक्टिव देन द डीएनए, ठीक है। राइबोसाइम का भी आपने नाम सुना होगा, ठीक, तो वहाँ पर भी कैटलिस्ट काम करते हैं। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में फॉस्फेट इससे ज़्यादा जुड़ जाते हैं, कभी कभी जो फॉस्फेट जुड़ते हैं पांचवे कार्बन पर जुड़ जाते हैं, तीसरे कार्बन पर जुड़ जाते हैं और दूसरे कार्बन पर जुड़ जाते हैं, गिव इट्स अनस्टेबिलिटी, दैट्स वाई डीएनए इज मोर स्टेबल देन आरएनए। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं फॉस्फेट। फॉस्फेट या फिर फॉस्फोरिक एसिड, यानी H3PO4, यहाँ पे OH, ये भी OH, ये भी OH, ये डबल बॉन्ड है H3PO4। ये कहाँ पे जुड़ता है, ये कार्बन जो आपका शुगर मॉलिक्यूल रहेगा उसके पांचवे पोजीशन पे, C5 पे या फिर C3 पे,
ठीक है। इन केस ऑफ डीएनए, डीएनए के केस में तीसरे पोजीशन पे जुड़ते हैं या फिर तीसरे पोजीशन पे जुड़ते हैं या फिर पांचवे पोजीशन पे फास्फेट जुड़ता है, लेकिन आरएनए के केस में कभी कभार ये सेकेंड पोजीशन पे भी जुड़ जाता है, जिसको कि जिससे कि अनस्टेबिलिटी आ जाती है। ठीक है, अब देखिए फास्फेट और शुगर मॉलिक्यूल ये दोनों बैकबोन बनाते हैं, न्यूक्लिक एसिड का बैकबोन बनाते हैं। ठीक है, और इस तरह से ये एक मोनोमर है न्यूक्लियोटाइड, जिसमें कि न्यूक्लियो बेस एंड नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर प्लस फास्फेट ये मिलके बनता है आपका न्यूक्लियोटाइड मोनोमर। और यही मोनोमर, ठीक है, ढेर सारे मोनोमर मिलके न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड मिलके एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड के फॉर्मेशन करते हैं, टाइड का फॉर्मेशन करते हैं, जैसे कि डीएनए और आरएनए। डीएनए के केस में क्या होगा और आरएनए के केस में क्या स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, डीएनए में ज़्यादातर जो है आपके डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होते हैं, आरएनए में सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर होते हैं, बट एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, हर जगह पाए जाते हैं। यहाँ पर भी डबल स्ट्रैंड आरएनए हो जाता है, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए हो जाता है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट स्टडी करेंगे। अब आते हैं हम लोग स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए पे डायरेक्ट हम लोग आते हैं। ओके, न्यूक्लियोटाइड के बारे में आपने स्टडी कर ही लिया है, पॉली न्यूक्लियोटाइड किस तरह से बनेंगे यहाँ पे हम लोग क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करने के पहले हम लोग पॉली न्यूक्लियोटाइड के बारे में स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, पॉली न्यूक्लियोटाइड बेसिकली जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक, वहाँ पे नाइट्रोजनस बेस इससे जुड़ते हैं आपके शुगर मॉलिक्यूल और इससे जुड़ते हैं फास्फेट। ठीक, इस तरह से हम बना दिए कि ये फाइव पोजीशन थ्री पोजीशन, शुगर मॉलिक्यूल बेस सीरियली ये बाइंड करते जाते हैं और पॉलीन्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। अब अगर ये बेस है, डीएनए के केस में क्या होता है कि अगर ये बेस है, जैसे कि एडेनिन है इधर, ठीक है, या फिर गुआनिन है इधर, तो उसके अपोजिट में थायमिन जुड़ेगा, थायमिन, और यहाँ पे जो बेस जुड़ेगा वो साइटोसिन, शुगर मॉलिक्यूल है फिर फास्फेट जुड़ेगा, फास्फेट फिर शुगर से मॉलिक्यूल से जुड़ेगा, फिर फास्फेट जुड़ेगा, फिर अनदर शुगर मॉलिक्यूल बेसिस से जुड़ता जाएगा। इस तरह से डबल हेलिकल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन डीएनए में हो जाता है और ये सीरियली न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से लगने के कारण, ठीक है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पे फास्फेट और शुगर बैकबोन का काम करते हैं, दिस इज बैकबोन, और दो न्यूक्लियोटाइड अगर है पॉलीन्यूक्लियोटाइड तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े रहते हैं, यहाँ पे दो हाइड्रोजन बॉन्ड रहेगा, यहाँ पे तीन हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़े रहते हैं। यहीं पे हम लोग देख लेते हैं कितने कितने बॉन्ड हैं। देखिए फास्फेट और शुगर से जुड़ने वाले बॉन्ड को हम लोग ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ठीक, और शुगर से बेस में जुड़ने वाला है इसको हम लोग ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़ जाते हैं। कभी कभी इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं भाई कितने बॉन्ड होते हैं,
ठीक है, या हाइड्रोजन बॉन्ड किनके किनके बीच बनता है, तीन हाइड्रोजन बॉन्ड किनके बीच बनता है, दो हाइड्रोजन बॉन्ड किनके बीच में होता है, तो ये सब आपको याद रखने की ज़रूरत है। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड किनके किनके बीच बनता है और फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड किनके किनके बीच बनता है। अब आइए हम लोग चलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के बारे में। देखिए स्ट्रक्चर डीएनए का स्ट्रक्चर सबसे पहले वाटसन एंड क्रिक ने प्रेजेंट किया था 1953 में, ठीक है। तो कुछ हम साइंटिस्ट के जिक्र करते चलते हैं, आप उसको देखते जाएगा। जेम्स वाटसन, फ्रांसिस क्रिक, मॉरिस विल्किंसन, रोजालिंड फ्रैंकलिन, चरगाफ, ठीक है, ये सब मिल के डीएनए का मॉडल प्रेजेंट किए थे, ठीक है। सबसे पहले चरगाफ ने, ठीक है, जो नाइट्रोजनस बेस है इसके अमाउंट को बताया कि किसी न्यूक्लिक एसिड में जितना अमाउंट में एडेनिन रहेगा उतने अमाउंट में थायमिन रहेगा, और जितने अमाउंट में गुआनिन रहेगा उतने अमाउंट में साइटोसिन रहेगा। तो एक ये थ्योरी आई कि एडेनिन बराबर थायमिन, गुआनिन बराबर साइटोसिन, ठीक है। या फिर इसको ये भी याद कर लीजिएगा, ए प्लस टी प्लस जी प्लस सी इक्वल टू 100%। डायरेक्टली कभी कभी पूछा जाता है कि ए अगर 20% है तो जी की मात्रा कितनी होगी, है ना। अब यहीं पे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन है अगर एडेनिन की मात्रा 20% है तो गुआनिन की मात्रा कितनी होगी, ठीक। तो हमें पता है ए बराबर टी, तो टी की जगह पे भी हम लोग 20 रखेंगे, प्लस जी प्लस सी, ये हो गया ये 100%, परसेंट को हटा देते हैं, 20 प्लस 20 40 हो गया, प्लस जी प्लस सी इक्वल टू 100। जी प्लस सी का अमाउंट कितना हो जाएगा, 100 माइनस 40 बराबर 60। अब जी प्लस सी इक्वल टू 60, और यहाँ पे दिया हुआ है जी इक्वल टू सी, चाहे हम लोग जी की जगह सी लिखें या सी की जगह जी लिखें, बात बराबर है। यहाँ पे सी की जगह जी लिख दिए, 60 हो गया, 2g इक्वल टू 60 हो गया, g इक्वल टू 30 हो गया। तो अगर गुआनिन 30% है तो साइटोसिन भी 30% हो जाएगा। इस तरह से हम लोग सभी बेसिस के बारे में स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये डिपेंड करता है डबल स्ट्रैंड होने पर, सिंगल स्ट्रैंड होने पर नहीं ये बता सकते हैं, ठीक है। तो सिंगल स्ट्रैंड डीएनए में 5x174 वायरस के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये सिंगल स्ट्रैंड डीएनए का बना होता है। इसके अगर नाम लेके देखते हैं कि 5x into 174 में एडेनिन की मात्रा इतनी है तो गुआनिन की मात्रा प्रेडिक्ट कीजिए, तो वहाँ पर जो ऑप्शंस रहेंगे उसमें इट कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड बिकॉज इट इज सिंगल स्ट्रैंडेड। चरगाफ ने तब बताया, पहले थ्योरी हम लोग लिख लेते हैं, ए बराबर टी एंड जी बराबर सी, ठीक है। रोजालिंड फ्रैंकलिन एंड मॉरिस विल्किंसन, इन दोनों एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के जरिए, एक्सरे डिफ्रेक्शन के जरिए डीएनए के स्ट्रक्चर का पता लगाया कि डबल हेलिकल है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर पता लगाया, और ए बराबर टी जी बराबर सी, ये दो थ्योरियों को लेकर जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए का मॉडल प्रेजेंट किया, ठीक। आइए देख लेते हैं उस मॉडल को किस तरह से ये मॉडल है। तो यहाँ तक आपको क्लियर है, सबसे पहले हम लोग डीएनए का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, जो डीएनए उन्होंने प्रेजेंट किया था वो बी डीएनए था, ये आपको याद रखने की ज़रूरत है।
BDNA, ADNA ये टर्म्स रोसालिंड फ्रैंकलिन ने दिया था कि अलग अलग तरह के उनके कंपोजिशन और उनका स्ट्रक्चर होता है। ADNA टाइप होते हैं, BDNA टाइप होते हैं, बाद में CDNA और DDNA भी खोजा गया, EDNA तक भी खोजा गया है, और सबसे इम्पोर्टेंट है ZDNA जिसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे उन्होंने जो मॉडल प्रेजेंट किया था वो BDNA का था, ठीक है। उन्हें बताया कि DNA का जो डायमीटर है वो 20 एंगस्ट्रॉम है, ठीक, और एक टर्न का जो डायमीटर है वो 34 एंगस्ट्रॉम है। दो बेसिस के बीच में जो स्पेस है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है। सिंपल सा है, आप याद कर लीजिएगा, 20 एंगस्ट्रॉम, 34 एंगस्ट्रॉम, 3.4 एंगस्ट्रॉम दो बेसिस के बीच में है। दिस इज द मेजर ग्रुप, मेजर ग्रुप, ग्रुप मतलब दशा, ठीक है, ये 10 एंगस्ट्रॉम का था, और ये माइनर ग्रुप है, ठीक है। मेजर ग्रुप माइनर ग्रुप दरअसल प्रोटीन के लगने वाला स्पेस होता है, यहीं पर आके प्रोटीन वगैरह अटैच होते हैं। डीएनए के साथ या आरएनए के साथ हमेशा प्रोटीन लगे रहते हैं, ठीक है। ये एक तरह के गेट का काम करते हैं, क्योंकि प्रोटीन हटता है तभी जाके सिंथेसिस आगे होती है, तो इनका लगा रहना बहुत ज़रूरी है, इसलिए ये मेजर ग्रुप्स और माइनर ग्रुप्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये मॉडल इस तरह से उन्होंने बताया। सबसे पहली बात कि ये डबल स्टैंडर्ड होते हैं, डीएनए इज डबल स्टैंडर्ड, इनका जो डायमीटर होता है 20 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, पर टर्न हेलिक्स 34 एंगस्ट्रॉम एंड पर बेस स्पेसेस 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है। और नेक्स्ट बातें बताइए, तीसरी बातें, ठीक है, कि इसमें जो एडेनिन की अमाउंट है वो थायमिन के बराबर होता है और गुआनिन का अमाउंट साइटोसिन के बराबर होता है, ठीक है, जो कि चारगाफ रूल के जरिए है। देखिए वो थ्योरी भी यहाँ पे काम आ रही है, ये भी थ्योरी काम आया कि डबल स्टैंडर्ड है, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के जरिए और इन बेसिस के जरिए ये पता लगा कि ये जो है एडेनिन बराबर थायमिन होता है। इसके बाद जो हाइड्रोजन बॉन्ड उन्होंने बताया, चौथी चीज़ें, चार पांच चीज़ें हैं आपको याद रखना है, ये दो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा रहता है और गुआनिन जो है वो तीन हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा रहता है, ठीक है। एक जो है आपका पैरेलल होता है, पैरेलल स्ट्रैंड, और दूसरा एंटी पैरेलल स्ट्रैंड कहलाता है। एंटी पैरेलल स्ट्रैंड कहलाता है और ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री कहलाते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस कहलाते हैं। तो ये डीएनए का स्ट्रक्चर हुआ। आइए हम लोग देखते हैं जेड डीएनए के बारे में कि कितने तरह के डीएनए पाए जाते हैं और उनके क्या क्या इंपॉर्टेंस है। तो शॉर्टकट में देख लेते हैं, तो टर्म दिया गया है पॉलीमॉर्फिज्म एनडीएनए, ये एडीएनए है, बीडीएनए, सीडीएनए और जेड डीएनए के बारे में हम लोग स्टडी कर लेते हैं यहाँ पे शॉर्टकट में। देखिए एडीएनए में जो पर टर्न बेसिस रहते हैं, ठीक है, पर टर्न बेसिस 11 रहते हैं, बीडीएनए में 10 रहते हैं, सीडीएनए में आपका 9.33 एंड जेडीएनए में 12 रहते हैं, ठीक। ये बेसिस क्या है, पर टर्न बेसिस, यानी जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सपोज़ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है इस तरह से,
ठीक। अगर ये दोनों को हम लोग मिला दें तो एक तरह का हमें साइक्लिक स्ट्रक्चर मिलेगा। ठीक, अब ये जो आपका लेफ्ट हैंडेड है राइट हैंडेड है डिपेंड करता है। देखिए इस तरह से राइट हैंडेड है, ये राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है। क्लासेस में मैंने बताया था कि इस तरह से राइट हैंडेड। अब देखिए, अब दोनों को अगर हम लोग इस तरह से करें तो ये हो गया आपका लेफ्ट हैंडेड, ठीक है, रोटेशन, और ये राइट हैंडेड रोटेशन। ठीक, तो ए डीएनए से लेकर जितने भी डीएनए हैं सब राइट हैंडेड कॉइलिंग होती है इनकी। ठीक, ये भी राइट हैंडेड रहता है, ये भी राइट हैंडेड रहता है, ये लेफ्ट हैंडेड कॉइलिंग रहती है। ठीक है, अब इनके पर टर्न डायमीटर बेसिस डायमीटर 34 एंगस्ट्रॉम है, कहते हैं 32 डेटा है, 32 एंड 38 एंगस्ट्रॉम इनका रहता है। और पर बेसिस स्पेसेस लगभग 3.2, ये 3.2 रहेगा, ये 3.0 एंड ये लगभग 4.5 एंगस्ट्रॉम का स्पेसेस रहता है, दो स्पेसेस के बीच की दूरी रहेगी। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो जो हम लोग बनाएंगे वो आरएनए पे बनाएंगे, और इसके बाद हम लोग आगे की नेक्स्ट स्टडी करेंगे।